नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, दिन दहाड़े CSP संचालक से हथियार के बल पर 3.5 लाख रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम। कारगिल विजय दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, शहीदों को किया गया याद। ट्रक ड्राइवर से लूटकांड मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, लूटे गए मोबाइल और नगद के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। ऑटो चालकों के झारखंड प्रवेश पर दुमका SP ने लगाई रोक, पंजवारा बॉर्डर पर ऑटो चालकों ने जताया विरोध। और पुत्र की कामना को लेकर 5 वर्षों से दिव्यांग कांवरिया जा रहे हैं बाबा धाम, कहा भोलेनाथ के प्रति है आस्था। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के जगदेशपुर में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े 3.5 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी विष्णुदास बलुआ चक स्थित बैंक से रुपए निकालकर जगदेशपुर जा रहा था। इसी दौरान अंगारी मोड़ के समीप मोटरसाइकिल पर 3 की संख्या में सवार अपराधी ने ओवरटेक कर विष्णुदास को रोक लिया, जिसके बाद अपराधियों ने हथियार के बल पर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित कर्मी ने लूट की सूचना जगदेशपुर पुलिस को दी। वहीं CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP लॉ एंड ऑर्डर निसार अहमद जल्द ही लूटकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने की बात कही। पुरैनी गांव के पास एक CSP संचालक से, जो कि बैंक से करीब 1,28,000 रुपये निकाल करके जा रहा था, उसका 3 अपराधकर्मियों के द्वारा पीछा किया गया तथा उसके द्वारा उसको गिरा करके, मतलब जो मोटरसाइकिल से जा रहा था उसे बैग उसका छीन लिया गया और छीनने के बाद उसको लेकर के वापस पुरैनी के दिशा में भाग गए हैं। इस मामले में मैं खुद भी गया था वहाँ पे घटनास्थल पे और पूरे मामले की जांच हम लोग कर रहे हैं, जिसमें एक SIT बनाई गई है जो CT SP के नेतृत्व में है और इसमें कुछ संदिग्धों के नाम प्रकाश में आए हैं जिनके ऊपर तथा जो अन्य इस तरीके के मामले में घटना करने वाले उस क्षेत्र के अपराधी हैं उनको भी पहचान करके उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उसमें बरामदगी की जाएगी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भागलपुर में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कारगिल के शहीदों को नमन कर देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया गया। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में कारगिल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर एवं NCC कैडेट के साथ पूरा कॉलेज परिवार, शिक्षक शिक्षिका एवं छात्रों ने शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान की प्रस्तुति भी दी गई। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के 20 वर्ष पूरे हो गए और यह समस्त भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है। हम सबों को अपने वीर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव रखने की जरूरत है और अपने अपने तरीके से देश के लिए योगदान करना चाहिए। वहीं गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में कारगिल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया जाता है और सभी शहीद हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं को देशभक्ति और शहीदों का सम्मान करने की बात कही गई, जबकि छात्रों ने भी कविता पाठ के माध्यम से शहीदों के प्रति अपने भाव प्रकट किए। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राओं ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें अपने लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मौके पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र तामपास पुल के समीप 26 जुलाई को ट्रक चालक और खलासी से लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। घटना में शामिल 2 अपराधी को पुलिस ने लूटे गए मोबाइल और रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 4 अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर से 15,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 0 माइल पुलिस ने छापेमारी कर साहेबगंज निवासी छोटू यादव और नाथनगर निवासी मोहम्मद मकड़े आलम को घर से धर दबोचा। SSP ने कहा कि अन्य 2 फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। SSP ने कहा कि अपराधी छोटू यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं हिमांशु हत्याकांड मामले में SSP ने कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमांशु के घर सैफ जवान की प्रतिनियुक्ति की गई है। हिमांशु हत्याकांड जो कि कजरली थाना कांड संख्या 23
2017/17 से संबंधित है। इस मामले में पुलिस के द्वारा घटना के बाद से ही, क्योंकि उस पूरे गांव में काफ़ी गंभीर माहौल बन गया था, तो उसके बाद से ही वहां पे पुलिस बल वहां पे तैनात है। और क्योंकि जब से ये मामला हमें जानकारी मिली थी कि ये मामला आखिरी स्टेजेस में है और इसमें सज़ा मिलने वाली है, तब से हम लोगों ने वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई थी और होमगार्ड की जगह पे सैप के जवान वहाँ पे प्रतिनियुक्त कर दिए गए थे। तो इस तरीके से वहाँ पे अभी पुलिस पदाधिकारी और बल को अतिरिक्त संख्या में वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है और पूरी सुरक्षा दी जा रही है। सर, जो युवती से प्रेम चल रहा था, वो लड़की लापता है, क्या उसका मालूम चल पाया अब तक? पुलिस के अनुसंधान में अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है और अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बुधवार की शाम सड़क हादसे में 3 कांवरियों की मौत के बाद दुमका SP ने बिहार से आने वाले ऑटो को झारखंड सीमा में प्रवेश पर रोक लगा दिए। दरअसल हजडिया के बनियारा गांव के समीप कांवरियों को लेकर पूर्णिया लौट रहे ऑटो को हाईवा ने टक्कर मार दिया था, जिसके बाद दुमका SP YS रमेश घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। SP ने दुमका बांका सीमा पर चेकपोस्ट बनाने का निर्देश देते हुए बिहार और झारखंड की ऑटो को बॉर्डर पर रोकने का निर्देश जारी किया। ऑटो को झारखंड सीमा में प्रवेश नहीं मिलने से आक्रोशित ऑटो चालकों ने बॉर्डर के समीप जमकर हंगामा किया। ऑटो चालकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा ऑटो पर रोक लगाए जाने के बाद रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हमारा एक मार्च के दूरी पर बिहार में घर है, बॉर्डर में एक मार्च के दूरी पर मेरा घर है, ना खाने देता है ना आने देता है, और कहता है हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा, हम क्या कमाएंगे। आपको पूर्व से कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, सूचना नहीं, पूर्व में हम लोगों को। आपका घर बिहार में पड़ता है? हाँ, मेरा घर एक मार्च के दूरी पर बॉर्डर पे, एक मार्च के दूरी पर बिहार पे घर है। क्या आपको पूर्व कोई सूचना थी? लोगों को कोई सूचना नहीं था, हम लोग कंजामा गुटा से जैसे यहाँ शाम के टाइम में पंजवारा जा रहे थे, तो पंजवारा बॉर्डर के पास प्रशासन ने हम लोगों को रोक दिया और प्रशासन इतना जानकारी हम लोगों को दिया कि बिहार का गाड़ी बिहार में ही रहेगा, झारखंड का गाड़ी झारखंड में रहेगा। क्या आपने उनसे सवाल पूछा कि ऐसा क्यों? हम लोग पूछे ऐसा सवाल तो प्रशासन ने जवाब दिया कि अरे शाम के बाद फिर झारखंड का गाड़ी झारखंड में जाएगा, बिहार का गाड़ी बिहार में ही चलेगा, शाम से ही ऐसे किया। कहते हैं कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प हो तो कठिन से कठिन बाधाओं को पार किया जा सकता है, और बात जब भगवान भोलेनाथ की अटूट भक्ति की हो तो भोलेनाथ की कृपा से राम में आने वाली कठिनाई पर विजय पाना आसान हो जाता है। सुल्तानगंज अजगैवीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर लखीसराय सतपुरा गाँव निवासी दिव्यांग रंजित नौनिया ने 21 जुलाई को देवघर बाबा धाम के लिए अपनी यात्रा शुरू की। अपने पैर से दिव्यांग रंजित नौनिया की भगवान शिव के प्रति भक्ति ऐसी है कि अपने पैर नहीं चल पाने के बावजूद कांवरिया पथ पर रेंगते हुए बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। शुक्रवार को 12 दिन की यात्रा के बाद कटोरिया कंट्रोल रूम में विश्राम करने पहुंचे रंजीत ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार सावन में सुल्तानगंज से बाबा धाम जा रहे हैं और बाबा वेदनाथ को जलाभिषेक करते, साथ ही कहा कि ये भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति है जिससे उनकी बाबा धाम की यात्रा पूरी हो पाती है। इस दौरान बाबा धाम जाने वाले अन्य कांवरिया एवं इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर भी आस्था एवं भक्ति को नमन करते दिखे। आप कितने साल से जा रहे हैं बाबा धाम? 5 साल से। आप बाबा से क्या मनोकामना है आपकी? बेटा मांगते हैं। आपका नाम? रंजीत नौनिया। आप सुल्तानगंज से बाबा धाम कितने दिन में पहुंच पाते हैं? बाबा 6 दिन पहुँच गए यहाँ तक। ने पूरे कितना दिन लगता है? पूरा दिन अंदर ये 12 दिन इधर लग जाता है। हाँ, 12 दिन 5 दिन इधर, 16-17 दिन। भागलपुर के आदमपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्रीय अपर भविष्य निधि आयुक्त राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि सरकारी प्रतिष्ठानों में संविदा पर कार्य कर रहे 21,000 कर्मचारियों को PF स्कीम से जोड़ा गया है। भागलपुर में 40,000 सक्रिय उपभोक्ता है और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए जल्द ही शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने प्रतिष्ठानों में कार्यरत सदस्यों एवं कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन की ओर से दी जाने वाली ऑनलाइन सुविधाओं के लिए KYC पर जोर दिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा गंभीर अवस्था में इलाज के लिए नाथनगर रेफर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए छात्रा को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। छात्रा की पहचान भुआलपुर गाँव निवासी सुबोध मंडल की पुत्री कृष्णा कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर डीएमयू ट्रेन से उतरने के दौरान कृष्णा का दुपट्टा दरवाजे में फंस गया, जिसके कारण वह प्लेटफॉर्म पर गिर गई। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत अभियान चलाया गया। अभियान के तहत स्वयंसेवकों ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इसके बाद स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के तहत एनएसएस के छात्र छात्राओं ने गंगा सीरी घाट की साफ सफाई की और आमजनों से गंगा नदी में कूड़ा कचरा नहीं डालने की अपील की। मारवाड़ी कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर आशीष मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 50 घंटे का कार्यक्रम निर्धारित है। वहीं एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो ने कहा कि अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाएगा और बेहतर कार्य करने वाले कॉलेज को जिला स्तर पर 30,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि राज्य स्तर पर चुने गए कॉलेज को 1,00,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। अब तक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिर्फ 4 कॉलेज मारवाड़ी, बीएन, एसएम और एसएसबी कॉलेज के कार्य ही संतोषजनक है और इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन राजभवन को भेजी जा रही है। स्वच्छता अभियान में स्वयंसेवक मृत्युंजय कुमार, युवराज, मुस्कान खातून समेत कई स्वयंसेवक मौजूद थे। भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित लेलक ममलखा रेलवे क्रॉसिंग के समीप रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर लेलक समेत सबौर दक्षिणी क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से 29 जुलाई को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसको लेकर पंचायत नवनिर्माण समिति एवं विभिन्न गांव के जनप्रतिनिधियों की ओर से भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त, जिला अधिकारी मालदा रेल मंडल DRM समेत कई अधिकारियों को पूर्व में आवेदन दिया जा चुका है। दरअसल लेलक ममलखा रेलवे क्रॉसिंग के समीप ROB निर्माण होने से सबौर दक्षिणी क्षेत्र के दर्जनों गांव की करीब 3,00,000 की आबादी का आवागमन सुगम हो सकेगा और रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हमेशा बनी रहने वाली दुर्घटना की आशंका से भी लोगों को छुटकारा मिल सकेगा। दक्षिणी क्षेत्र के लैलक, बैजलपुर, परघरी, सिवायडी, नदियामा, कुरपत समेत तमाम गांव एवं पंचायत के ग्रामीणों को इसी रेलवे ट्रैक को पार करके जाना पड़ता है और यहां पर संपार नहीं होने के कारण साइकिल एवं बाइक चालक किसी तरह से ग्रामीण रेलवे ट्रैक पार करते हैं। ROB भी नहीं होने के कारण इन गांव में एम्बुलेंस, अग्निशमन एवं पुलिस वैन भी नहीं जा सकती है, जिससे किसी आपात या दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक सेवा भी समय पर मुहैया कराना संभव नहीं होगा। शहर की मुख्य सड़क से नहीं जुड़े होने के कारण इन सभी गांवों में कई प्रकार की बुनियादी सुविधा का भी अभाव है और ऐसे में ग्रामीणों एवं बच्चों को पढ़ाई समेत आवश्यक कार्यों के लिए रोजाना जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है। अब कब तक रेलवे एवं जिला प्रशासन इन ग्रामीणों की समस्या समाधान की पहल करता है, ये तो समय ही बताएगा। सकते हैं कि रेलवे लाइन पटरी पार होकर किसी भी समय दुर्घटना हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों को कई बार आवेदन देने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है और मोटरसाइकिल और चार चक्का तो पार ही नहीं होगा और इधर ग्रामीण क्षेत्र के सभी जनताओं को मान लें कोई बीमारी हो जाए तो वह जो है ना अस्पताल तक नहीं पहुँच सकेगा, ना तो इधर अस्पताल है और ना तो स्कूल है और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी दिक्कत है
जिसमें कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार का कहना है कि प्रत्येक टोला को भी मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर जो है ना लगभग 7-8 पंचायत है और आज़ादी के बाद से आज तक ना तो सड़क है, सिर्फ रेलवे लाइन पार होकर ही आना पड़ता है, तो दुर्घटना किसी भी समय हो सकता है। अलखा रेलवे स्टेशन के पास संपार के लिए हम लोग धरना रखे हैं 29/7/2019 को। 25 गांव की जनता को तकलीफ है। डियाराम साहब से अनुरोध है कि हम लोगों को संपार दिया जाए, नहीं तो अगला बैठक जो है ना चक्का जाम का रहेगा। आने जाने में बहुत मैंने तकलीफ झेलना पड़ता है बाढ़ के समय में, और हॉस्पिटल भी दूर है, जो बहुत तकलीफ है हम लोगों को, जो संपार दिया जाए। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में सरकार की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग का जायजा लेने अल्पसंख्यक वेलफेयर विभाग के निदेशक मोहम्मद सरियार इकबाल फैसल और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राहुल कुमार कॉलेज पहुंचे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन और कोचिंग के संयोजक डॉक्टर तनवीर आलम से जानकारी और कई दिशा निर्देश दिए। भागलपुर के जगदेशपुर अंगाड़ी मोड़ के समीप नवनिर्मित UFT राइस मिल का उद्घाटन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा और BDO चंद्रभूषण गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। राइस मिल के संचालक ने कहा कि चावल तैयार करने के लिए स्थानीय किसानों से बाजारी मूल्य पर धान की खरीदारी की जाएगी, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि मिल को तैयार होने में 2 वर्ष का समय लगा है। इस मौके पर डॉक्टर HI फारूक, हाजी अरशद अली, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर आनंद सहित कई लोग मौजूद थे। पहले जो बीमारी लोगों को 50 साल की उम्र में होती थी, वह अब खराब खान पान के कारण छोटे छोटे बच्चों में होने लगी है। इन दिनों 10 से 15 साल के बच्चों में किडनी स्टोन के केस बढ़ गए। वहीं नवादा प्रखंड के कहलगांव निवासी गोलू यादव को महज 7 साल की उम्र में पेशाब नली में 6 mm का कई स्टोन हो गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब गोलू के पिता लक्ष्मण यादव ने पेट दर्द होने पर बेटे का अल्ट्रासाउंड करवाया। जांच रिपोर्ट देखकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि ऑपरेशन के जरिए ही गोलू की बीमारी का इलाज संभव है। ये देखा गया है कि इसकी भी संख्या बढ़ रही है और इसके चलते जो है कई बार डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको सोचा नहीं जाता है जल्दी कि ये बीमारी पथरी भी हो सकता है बच्चों में। ज़्यादातर कीड़े की वजह से होता है या ट्यूमर वगैरह कुछ रहता है, लेकिन इस तरह का पथरी बहुत कम होता है। और ये कुछ अनुवांशिक ऐसा बीमारी होता है जिसको खून में कमी होने का हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस कहलाता है, उसमें फिर इसकी संभावना बढ़ जाती है। सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे बच्चों की बेहतर शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा सके। छात्र छात्रा नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए जागरूक हो, इसके लिए सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था लागू की, जिससे समय पर बच्चों को स्कूल में ही भोजन मिल सके और बच्चे भोजन के अभाव में बीमारी के शिकार नहीं हो। लेकिन इन सब बातों की हकीकत कुछ और ही है। बांका के कटोरिया प्रखंड स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील ना तो गुणवत्तापूर्ण है और ना ही मेन्यू के अनुसार दिया जाता है। यहाँ MDM योजना लूट का जरिया बन गई है और विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य वैकुंठ मंडल एवं CRCC हरीश कुमार मधुकर की मिलीभगत से सब कुछ चलता है, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। गौरतलब हो कि गत 18 जुलाई को प्रधानाचार्य वैकुंठ मंडल विद्यालय में मौजूद बच्चों से अधिक की उपस्थिति बना दी, जबकि MDM कम बच्चों का बनाया गया। इसके बाद प्रधानाध्यापक और CRCC से जब बात की गई तो वह गोल मटोल जवाब देने लगे, जबकि स्कूल के बच्चों ने सारा पोल खोल दिया। एक भी शुक्रवार को नहीं मिला है। खाने जो बैठते हैं तो उस टाइम बैठने के लिए दरी नहीं मिलता, अंडा नहीं मिलता तो सर से पूछे नहीं, अंडा नहीं मिलता सर, ऐसा क्यों अंडा क्यों नहीं देते, क्या बोले सर? सर बोले तुम केला मांगते तो बोलते हैं घर, हम घर से खिलाते हैं, जो नहीं मिलेगा सर घर से खिलाते हैं, नहीं मिलेगा जाओ खाना तुम ले आना, खुद के खिलाना नहीं। तो क्लास क्या कहते हैं सर? 7th का जब हमने देखा जी।
तो 18 तारीख को 24 बच्चे का अटेंडेंस वैसा अटेंडेंस बना है जो कि बच्चे मौजूद नहीं है, वो उस दिन उपस्थित नहीं हुए, फिर भी आपका अटेंडेंस सीट पे 24 बच्चे का अटेंडेंस बना हुआ है, फिर ऐसा क्यों? बात में ये बच्चा आया है तो उसका अटेंडेंस बनाए जी, तो मतलब 24 बच्चा झूठ कह रहा है सर, इसका मतलब आपके अनुसार? पूरी को पूरी सिखाया गया है कि तुम्हें ये बोलना, बच्चा आया मैंने बनाया, 2400 बच्चा को सिखाया गया है, टोटल बच्चा जो रूम में जितने बच्चा है सब सबको सिखाया, सबको सिखा करके। तो आप ही के खिलाफ क्यों किया गया है? आप ही के खिलाफ क्यों किया गया है? क्योंकि झंझट तो हमसे हमेशा हो रहा है। क्या चीज का झंझट हो रहा है आपसे? झंझट हो रहा है पैसा का, लेन देन का, यहाँ पर फालून बढ़ता है उसके बारे में, खाना के बारे में, जितनी भी समस्या है तो कोई हेड से ही होगा। नाथनगर प्रखंड परिसर में शुक्रवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वीडियो राकेश कुमार ने किया। वीडियो ने स्वच्छ व्यवहार सुंदर बिहार कार्यशाला का उद्देश्य बताते हुए कहा कि सभी लोगों को शौचालय का नियमित प्रयोग करने एवं अपने आसपास फैली गंदगी की साफ सफाई कर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने से स्वच्छ बिहार अभियान सार्थक हो सकता है। इस मौके पर कुंदन गांधी, पंकज कुमार, ऋचा कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। आज एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया था स्वच्छ बिहार सुंदर व्यवहार को लेकर के। यह जो हम लोग जो है 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इस एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने श्रावणी मेला में कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ से पूरा सुल्तानगंज बोलबम के नारों से गुंजायमान है और अलग अलग तरीके से कांवड़िया बाबा धाम की यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए कोलकाता से आया कांवड़ियों का जत्था बसा पर सवार भगवान शिव की प्रतिमा रूपी आकर्षक कांवड़ लेकर अजगैवीनाथ से रवाना हुआ। टोली के महेश चौधरी ने कहा कि विगत 22 वर्षों से कांवड़ लेकर सुल्तानगंज अजगैवीनाथ से बाबा नगरी जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा से मार्ग में कई बाधाओं के बावजूद बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करते हैं। साथ ही कहा कि अगर जिला प्रशासन ध्यान दे तो बिजली के तार एवं रॉड के कारण कांवड़ ले जाने में होने वाली समस्या दूर हो सकती है। इस टोली में 30 कांवड़िया शामिल है और भोलेनाथ का जयकारा और भजन की धुन पर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। भागलपुर के भिकनपुर में भाजपा तिलका मांझी मंडल की ओर से शुक्रवार को संगठन पर्व सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान का नेतृत्व तिलका मांझी मंडल अध्यक्ष देवव्रत घोष एवं मंडल सदस्यता प्रमुख प्रणव दास ने किया। इस दौरान काफी संख्या में युवाओं एवं लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। देवव्रत घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री सा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी लगातार सफलता की ओर अग्रसर है और पुरुष, महिला और युवाओं के साथ सभी वर्ग एवं जाति के लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर पंकज सिन्हा, अनंत चौधरी, प्रतिमा शुक्ला, सैयद जियाउल हक, संजीव रजक एवं कैफी जुबैर समेत काफी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, दिन दहाड़े CSP संचालक से हथियार के बल पर 3.5 लाख रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम। कारगिल विजय दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, शहीदों को किया गया याद। ट्रक ड्राइवर से लूटकांड मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, लूटे गए मोबाइल और नगद के साथ दो अपराधी गिरफ्तार। ऑटो चालकों के झारखंड प्रवेश पर दुमका SP ने लगाई रोक, पंजवारा बॉर्डर पर ऑटो चालकों ने जताया विरोध। और पुत्र की कामना को लेकर 5 वर्षों से दिव्यांग कांवड़िया जा रहे हैं बाबा धाम, कहा भोलेनाथ के प्रति है आस्था।